कोविड-19 का प्रकोप जिला पठानकोट में लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आज जिला पठानकोट में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं SMO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने लोगों से अपील करते हुए सतर्क रहने को कहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकार द्वारा बताए गए नियमों की पालना करने को कहा है। इन्होंने एक्टिव जो 300 के करीब जो एक्टिव पेशेंट्स है हम अनफॉर्चुनेटली 23 के करीब जो पेशेंट्स की डैथ हो चुकी है और पिछले 3-4 दिनों से जी कोमॉर्बिडिटी वैसे ज़्यादा हुई है पर वो करके 4-5 डेथ्स जो हो गई है। मैं लोगों को फिर अपील कर रहा बार बार अपील कर रहा कि घर ना बैठे रहो। लोग टाइफॉइड समझ के अपने पेशेंट को ट्रीट करी जाते हैं और 8-10 दिन बाद आते हैं जो पेशेंट बहुत सिक हो जाता है उस टाइम उत्ते पेशेंट को बाहर कड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तुम सारे लोगों को पठानकोट के वासियों को कि अगर किसी को भी फीवर 1-2 दिन का हैगा तो प्लीज़ वो आके अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें क्योंकि उसके बाद फिर एक बंदा क्लियर हो जाता है। अगर कोविड आए सही टाइम उत्ते मेडिसिन अगर शुरू कर दी जाए तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सब तो ज़्यादा जरूरी जोड़ा है ये चीज़ डायबिटिक पेशेंट्स लिए है और उसके बाद जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उन्होंने लिए इस बीमारी ने किसू की करना है वो बारे नहीं किया जा सकता और डायबिटीज़ के वेले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एट रिस्क है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज़ हार्ट पेशेंट एल्डरली पेशेंट्स प्रेगनेंट वीमेन अगर किसी को भी यहोजी प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा जहाँ भी फीवर खांसी होती है प्लीज़ कम एंड गैट योर सेल्फ टेस्टेड। प्लीज़ घर ना बैठे रहो ये बहुत अर्जेंट हैगी है। लोग टाइफॉइड बना के पेशेंट्स ट्रीट करी जाते हैं अगर टाइफॉइड भी है लेकिन कोविड टेस्ट नाल जरूर कराओ ताकि सानू पता चल जाए क्योंकि अजकल फीवर के केसिस जोड़े उस बहुत ज़्यादा कोविड निकल रहे बहुत ज़्यादा लोग जोड़े वो इस बीमारी का पीड़ित पाए जाते हैं। सो प्लीज़ इन टेस्ट जरूर करो। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।